देखो, अगर 90,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो एंड लैपटॉप में 16 GB की रैम और डेडिकेटेड GPU ही नहीं है तो फिर लेने का क्या ही फायदा। एंड 16 GB की रैम भी सिर्फ 32 MHz वाली, ठीक है, इससे नीचे तो हमें जाना ही नहीं है। कम से कम 512 GB की M.2 NVMe SSD होनी चाहिए। स्क्रीन साइज आपको 14, 15.6, 16.1 एंड 17.3 इंचेस सभी साइज मिल जाएंगे और सभी में विंडोज 11 प्री इंस्टॉल विद लाइफ टाइम वैलिडिटी। ये सब कुछ आपको मेरे बताए गए हर एक लैपटॉप में 100% गारंटीड मिलेगा। Asus VivoBook Pro 14। ये लैपटॉप स्पेशली कंटेंट क्रिएशन एंड ग्राफिक्स रिलेटेड कामों को करने के लिए एकदम ही बेस्ट ऑप्शन है। AMD Ryzen 7 5800H प्रोसेसर है। देखो, जो H सीरीज के प्रोसेसर है ना, वो हैवी टास्क करने के लिए वेल ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये, विद 20 MB L3 कैचे मेमोरी। और बाकी सारी प्रोसेसर की डिटेल आपकी स्क्रीन पे है। 14 इंचेस की 2.8K OLED डिस्प्ले, 600 nits ब्राइटनेस एंड 90Hz रिफ्रेश रेट, प्योरली हाई क्वालिटी डिस्प्ले। रैम 16 GB की है 32 MHz वाली एंड अप टू 32 GB तक इसकी रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ में इसकी स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है। पहले तो 512 GB की SSD है, 1 TB SSD तक एक्सपेंड कर सकते हो आप। 4 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है, NVIDIA GeForce RTX 3050 GDDR6। प्री इंस्टॉल विंडोज 11 के साथ MS Office 21 दिया गया है। सुपर फास्ट Wi-Fi 6 प्लस ब्लूटूथ 5.0 एंड फिंगरप्रिंट सेंसर, जो लैपटॉप की सिक्योरिटी वाइज काफी बढ़िया है। और प्राइवेसी सेटर कैमरा है। ऑल नेसेसरी पोर्ट्स प्लस बैकलिट कीबोर्ड, हार्मन कार्टन के बिल्ट इन स्पीकर्स मिलते हैं। ये लैपटॉप दिखने में नॉर्मल लैपटॉप की तरह दिखता है, बट बिल्ड क्वालिटी वाइज एकदम ही बेस्ट है। खासकर ये लैपटॉप मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिन्हें वीडियो एडिटिंग या फिर ग्राफिक्स रिलेटेड काम करना है, तो ये लैपटॉप आग बंद कर ले सकते हो। इस प्राइस पॉइंट पर इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला। HP Victus। विक्टस का करंट प्राइस अराउंड 83,000 रुपीज है और इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो इस बजट के लैपटॉप में से दूसरी सबसे बड़ी डिस्प्ले है। 16.1 इंचेस की फुल HD IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है लैपटॉप की। 300 nits प्लस 144Hz ऑफ रिफ्रेश रेट विद 100% sRGB। यहाँ पे एकदम ही ट्रूली बेस्ट क्वालिटी का गेमिंग डिस्प्ले है। प्रोसेसर एकदम सेम है जैसे कि इससे पहले वाले VivoBook 14 Pro का था। रैम 16 GB की DDR4 32 MHz वाली प्लस 32 GB तक रैम एक्सपेंडेबल है एंड 512 GB की NVMe SSD। स्टोरेज को एक्सपेंड करने के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट दिया हुआ है। GPU भी इसका बिल्कुल सेम है, RTX 3050 GDDR6 विद 4 GB VRAM। बस TGB का फर्क है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ इथरनेट की सपोर्ट दी गई है और लैपटॉप की जो वायरलेस कनेक्टिविटी है वो एकदम लेटेस्ट Wi-Fi 6 प्लस ब्लूटूथ 5.2 मिलती है। ऑफिस 19 है प्लस विंडोज 11 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इस लैपटॉप में आपको बिल्ट इन एलेक्सा की सपोर्ट मिलती है जिससे आप अपनी वॉइस कमांड से इसे ऑपरेट कर पाओ। फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड है, तो ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है ये अंडर 90,000 रुपीज। और जो बिल्ड क्वालिटी होती है HP के लैपटॉप्स की वो काफी तगड़ी होती है और सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेकआउट कर सकते हो। Acer Nitro 5। मुझे पता है आप में से काफी यूजर्स का ये लैपटॉप फेवरेट लैपटॉप है। लेटेस्ट इंटेल कोर i5 12th जेन प्रोसेसर है इसमें, 12500H। इंटेल के 12th जेन प्रोसेसर पहले बताए गए Ryzen 7 5800H को आराम से बीट कर देता है। 18 MB L3 कैचे मेमोरी और 8 कोर्स प्लस 12 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये। प्रोसेसर की बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने है। 16 GB की DDR4 रैम, एक्सपेंडेबल अप टू 32 GB प्लस स्टोरेज 512 GB की SSD है जो की एक्सपेंडेबल है। फुल साइज डिस्प्ले मिलती है लैपटॉप में, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS पैनल वाले डिस्प्ले विद 144Hz रिफ्रेश रेट एंड 250 nits ब्राइटनेस। इसमें आपको MS Office नहीं दिया गया एंड विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिल जाएगा। इसका GPU है RTX 3050 विद 75W TGP। एकदम ही बीस्ट परफॉर्मेंस मिलेगी आपको इस लैपटॉप के अंदर। ब्लूटूथ वर्जन 5.0 प्लस लेटेस्ट Wi-Fi 6, थंडरबोल्ट 4 के साथ टाइप सी टाइप ए एंड HDMI पोर्ट्स की सपोर्ट है इस लैपटॉप में। 4 जोन RGB फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Acer Nitro सीरीज है ना, इसकी परफॉर्मेंस एंड बिल्ड क्वालिटी वन ऑफ दी बेस्ट है। और अगर आपको फ्यूचर में रैम या फिर स्टोरेज कम लगती है तो उसे एक्सपेंड करने का भी ऑप्शन मिल रहा है हमें इस लैपटॉप के अंदर। टोटली फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप है। इसकी बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो अगले जो दोनों लैपटॉप है ना, उन्हें थोड़ा ध्यान से देखना क्योंकि उनकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बाकी लैपटॉप्स की कंपैरिजन में काफी तगड़ी मिलती है। MSI Katana GF76। इसमें i7 11th जेन प्रोसेसर है, 11800H, 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये। 4.6 GHz मैक्स क्लॉक स्पीड एंड 24 MB L3 कैचे मेमोरी। ये वाला प्रोसेसर Ryzen 7 5800H से भी अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के देता है। और इसका सिर्फ प्रोसेसर ही नहीं, इसका जो GPU है वो भी 3050 से बेटर है। 4 GB VRAM वाला डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है लैपटॉप में, NVIDIA GeForce 3050 Ti है। बेसिकली इसमें जो परफॉर्मेंस मिलेगी वो हर एक गेम्स में 3050 से बेटर ही मिलेगी। और साथ ही इस लैपटॉप में जो डिस्प्ले
डिस्प्ले है वो इन सभी लैपटॉप्स में सबसे बड़ी है। 17.3 इंचेस की फुल एचडी आईपीएस लेवल डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, 250 निट्स ब्राइटनेस विद 45% एनटीएससी, सेम 16GB की रैम, 512GB की एसएसडी एंड इसकी रैम एंड स्टोरेज दोनों भी चीजें एक्सपेंडेबल भी है। 64GB तक रैम को एक्सपेंड कर सकते हैं एंड एसएसडी का एक्स्ट्रा स्लॉट मिलता है। बाकी पोर्ट्स देखे जाए तो इस लैपटॉप में आपको सारी पोर्ट्स मिल जाती है, प्लस इथरनेट पोर्ट भी दी गई है। लेटेस्ट 5.56 एंड ब्लूटूथ 5.2 भी है। विंडोज 10 प्री इंस्टॉल है एंड इजीली आप विंडोज 11 में अपडेट कर पाओगे। एंड जो एडिशनल फीचर्स है लैपटॉप में, बैकलिट कीबोर्ड सिंगल कलर के साथ आता है, 720p एचडी कैमरा, बिल्ट इन माइक एंड बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी। ये लैपटॉप ट्रूली एक बीस्ट गेमिंग लैपटॉप है, डिस्प्ले वाइज, जीपीयू वाइज एंड प्रोसेसर वाइज। ये लैपटॉप आपको कहीं पर भी डिसअपॉइंट नहीं करता। मेरी तरफ से ये लैपटॉप आपको हाई रिकमेंडेड है, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेकआउट कर सकते हो। MSI SWAT 15। इस लैपटॉप की प्राइस अराउंड 84,000 रुपीस है एंड इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस बाकी सारे लैपटॉप में सबसे बढ़िया मिलती है। अगर मुझे कोई गेमिंग लैपटॉप खरीदना होता तो मैं आग बंद कर इस वाले लैपटॉप को 100% पक्का लेता, क्योंकि इसमें लेटेस्ट इंटेल कोर i5 12 जेन प्रोसेसर मिलता है, 12500H, जो इस लिस्ट का सबसे पावरफुल प्रोसेसर है। 4.5GHz की मैक्स क्लॉक स्पीड एंड 80MB L3 कांची मेमोरी है। 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है ये। रैम 16GB की DDR4 32MHz वाली, प्लस 64GB तक इसकी रैम एक्सपेंडेबल है। 1TB की NVMe SSD जिसमें आप बड़े साइज के मल्टीपल AAA टाइटल गेम्स को आराम से स्टोर कर सकते हो। साथ ही एक एक्स्ट्रा SSD स्लॉट मिलता है स्टोरेज एक्सपेंड करने के लिए। GPU भी इसका बिल्कुल सेम है, डेडिकेटेड RTX 3050 GDDR6 4GB VRAM with 65W TGP। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ईथरनेट की सपोर्ट दी गई है और कनेक्टिविटी वाइज एकदम लेटेस्ट Wi-Fi 6 प्लस ब्लूटूथ 5.2 मिलती है। विंडोज 11 प्री इंस्टॉल है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। बैकलिट कीबोर्ड सिंगल कलर के साथ आता है, 720p HD कैमरा, बिल्ट इन माइक। अब बात करें डिस्प्ले की, 15.6 इंचेस की फुल HD IPS लेवल डिस्प्ले है विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 250 निट्स ब्राइटनेस प्लस 45% NTSC। तो ओवरऑल देखा जाए ये लैपटॉप एकदम ही तगड़ी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है एंड परफॉर्मेंस वाइज सभी लैपटॉप्स को पीछे छोड़ देता है। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है, एक लाइन में कहूँ वैल्यू फॉर मनी गेमिंग लैपटॉप। आंखें बंद कर आप इस लैपटॉप को बाय कर लो। तो हाँ, दीज आर दी बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स अंडर 90,000 रुपीज इन 2022, जिनपे आप गेमिंग कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो, हैवी टास्क वगैरह सब कुछ एकदम ही स्मूथ होता है इन सभी लैपटॉप्स में। तो बस आपने एक चीज करनी है कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जितनी भी आपकी क्वेरीज है उन्हें भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।